और आज से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा शुरू हो रही है, जिसको लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। हम अपने धार्मिक आस्था के साथ और हमारी फिलॉसफी के साथ, हमारे अध्यात्म के साथ हम बात करें। वाराणसी का नाम कहां से आया? दोनों वरुणा और अस्सी, दोनों नदियों को जोड़कर शहर का नाम वाराणसी साबित हुआ। काशी विश्वनाथ धाम और यहां के मंदिरों का, संकट मोचन हनुमान मंदिर हो, दुर्गा देवी मंदिर हो, ये आस्थाओं की का शहर है, आस्थाओं की नगरी। केवल 135 करोड़ जनता की नहीं लेकिन पूरे भारतवासी, भारत की नहीं लेकिन पूरे विश्व की आस्थाओं की नगरी। और जब प्रधानमंत्री जी ने यहां काशी विश्वनाथ मंदिर का भव्य स्वरूप का अनावरण किया योगी आदित्यनाथ जी के साथ, जो एक परिवर्तन आप दोनों ने इस क्षेत्र में लाया है, ये पूरे विश्व के हिंदू धर्म के एक एक व्यक्ति की आस्था के साथ जुड़ा हुआ एक मामला है। वाराणसी में हमारा 25,563 स्क्वायर मीटर का एयरपोर्ट है और जो वाराणसी 11 शहरों से जुड़ा हुआ है, आज इस समर स्केड्यूल के उद्घाटन के आधार पर हमारे दो स्केड्यूल रहते हैं साल में, एक विंटर स्केड्यूल और एक समर स्केड्यूल। इस समर स्केड्यूल के उद्घाटन के आधार पर जो शहर वाराणसी 11 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज 4 अतिरिक्त शहर गोरखपुर, जयपुर, गुवाहाटी और जम्मू 4 नए शहरों से जुड़ा जा रहा है। तो अब 15 शहरों से वाराणसी अकेले जुड़ा जाएगा। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो जहां गोरखपुर 6 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज अतिरिक्त 3 शहरों से जुड़ा जा रहा है। वाराणसी, कानपुर और बेंगलोर 3 नए शहरों के साथ जुड़ा जा रहा है। तो वाराणसी 11 शहर से 15 शहर से जुड़े जाएंगे और गोरखपुर के 6 शहरों से 9 जुड़े। और यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका आह्वान, उनका निर्देश, उनका मार्गदर्शन और योगी आदित्यनाथ जी का साथ, जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में ला पाए शायद देश में अनोखा है। जो उत्तर प्रदेश 9 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, जिसमें केवल 3 अंतर्राष्ट्रीय विमानतल, आज वह उत्तर प्रदेश जो 4 शहरों से जुड़ा हुआ था, 4 एयरपोर्ट थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में 9 एयरपोर्ट स्थापित हुए हैं पिछले 7 सालों के अंदर। चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो, हिंडन हो, बरेली हो, कुशीनगर हो, ये 4 अतिरिक्त एयरपोर्ट शामिल हैं। और आने वाले समय में यही तीव्र गति आगे चलेगी। 2 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे महेंद्रपाल सिंह जी ने कहा, नोएडा और अयोध्या, और उसी के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ 7 नए डोमेस्टिक हवाई अड्डे, सहारनपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़, अलीगढ़, श्रवस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जिस उत्तर प्रदेश में केवल 4 हवाई अड्डे थे, उस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के साथ में 18 हवाई अड्डे स्थापित हो रहे। और जिस उत्तर प्रदेश में केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, लखनऊ और वाराणसी, आने वाले समय में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्थापित होंगे, नोएडा, कुशीनगर और अयोध्या। तो 2 से 5, 4 से 18 और फ्लाइट की कनेक्टिविटी में भी ऐसे ही बढ़ोतरी। तो आज के दिवस पे मैं स्पाइस गेट के हमारे संस्थापक अजय सिंह जी को मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे देश के आम नागरिक के अंतर्गत जिस तीव्र गति से स्पाइस गेट आगे बढ़ रही,
योजनाओं को लाने के लिए, शहरों को जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, जिलों को जोड़ने के लिए एक बहुत ही सराहनीय काम स्पाइस जेट के द्वारा किया जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज के समर शेड्यूल में केवल वाराणसी और गोरखपुर नहीं लेकिन 6 और रूट उत्तर प्रदेश के लिए हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं और 3 अन्य रूट देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए कानपुर गोरखपुर, यह फ्लाइट वाराणसी गोरखपुर, वाराणसी गुवाहाटी, कुशीनगर कोलकाता, जो हमने मंच से योगी जी आपको याद होगा कुशीनगर में हम लोग ने संकल्प किया था, वाराणसी पटना और वाराणसी जयपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।